आप सभी से अनुरोध है करतल ध्वनियों में कंजूसी ना करें। हम आप सभी का सौभाग्य है कि ऐसे आप सभी से अनुरोध है करतल ध्वनियों में कंजूसी ना करें। हम आप सभी का सौभाग्य है कि ऐसे मुख्य अतिथि हमारे मध्य पधारे हैं। आज के समारोह इस लक्ष्य के साथ इस ट्रस्ट की स्थापना की थी। वास्तविक रूप में इन सारे लक्ष्यों को चरितार्थ करता हुआ यह ट्रस्ट आज तक की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करता आया है। अब इस कार्यक्रम में आगे सद्गुरु सेवा जिनके यह कार्य सन 1968 से आबाद रूप से होता चला आ रहा है। गुरुदेव ने 1950 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर काटजू जी से कहा था कि आज भले जानकी कुंड चित्रकूट यह पिछड़ा हुआ जगह है, लेकिन आने वाले कल में इस क्षेत्र की बहुत तरक्की होगी। हर एक वृक्ष के पत्ते पर बिजली चमकेगी, आश्रम की खूब उन्नति होगी, ख्याति होगी, लेकिन यह देखने के लिए हम दोनों नहीं रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन में बहुत ज्यादा बोलने के लिए नहीं आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरा भाषण बहुत संक्षिप्त में होगा। मित्रों, जैसा भी अभी संचालक महोदय ने कहा, 30 साल के सार्वजनिक जीवन में मैं कई जगह पे गया हूं और कई सेवा संस्थानों को मैंने देखा भी है, मगर आज मैं जहां आया हूं उसका एक अलग प्रकार से महत्व है, क्योंकि पूज्य रणछोड़दास जी महाराज ने इस जगह को न केवल इसलिए चयनित किया था कि यह जगह बहुत पिछड़ी थी उस वक्त विकास की दृष्टि से, मगर चित्रकूट ये जगह पूरे देश भर के सभी लोगों के मन में एक श्रद्धा का केंद्र है और यहीं से एक सिंबल है, सिंबॉलिक संदेश है। मैं बहुत ज्यादा बोलने के लिए नहीं आया हूं, देखने के लिए आया हूं, इसलिए मेरा भाषण बहुत संक्षिप्त में होगा। मित्रों, जैसा भी अभी संचालक महोदय ने कहा, 30 साल के सार्वजनिक जीवन में मैं कई जगह पे गया हूं और कई सेवा संस्थानों को मैंने देखा भी है, मगर आज मैं जहां आया हूं उसका एक अलग प्रकार से महत्व है, क्योंकि पूज्य रणछोड़दास जी महाराज ने इस जगह को न केवल इसलिए चयनित किया था कि यह जगह बहुत पिछड़ी थी उस वक्त विकास की दृष्टि से, मगर चित्रकूट ये जगह पूरे देश भर के सभी लोगों के मन में एक श्रद्धा का केंद्र है और यहीं से एक सिंबल है, सिंबॉलिक संदेश है। यहां से परंपरा हुई, शुरू हुई कि कोई व्यक्ति प्राप्त हुआ जो राज्य है वो बड़े भाई के चरणों में समर्पित कर खड़ाऊ लेकर उनके नाम से 14 साल तक शासन कर सकता है। ये परंपरा की शुरुआत ये चित्रकूट की पंक्ति है और बिल्कुल उसी तरह से पूज्य रणछोड़दास जी महाराज के संदेश को खड़ाऊ तो नहीं रखा, मगर उससे भी अच्छे तरीके से हृदय में संजोकर एक टीम आज यहां तक इस काम को पहुंचाई है। सबसे पहले तो मैं वो पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। मृत्यु के बाद की दुनिया में कई प्रकार की कल्पना होती है, मगर हम लोग मानते हैं कि आत्मा अमर होती है। आज पूज्य रणछोड़दास जी महाराज की आत्मा और सेठ अरविंद भाई की आत्मा जहां पर भी होगी, एक कार्य को संपन्न देखकर उनको बहुत बहुत संतुष्टि मिली होगी और इस कार्य पर
उनका आशीर्वाद भी होगा। यही धरती का ऊर्जा का परिचायक है कि इतने सालों के पहले रणछोड़दास जी महाराज को यहां पर काम करने की प्रेरणा मिली और राजनीति में पूरी दुनिया में जिन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि 60 साल की उम्र के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए, 60 साल की उम्र के बाद समाज सेवा करनी चाहिए, ग्रामोत्थान का प्रकल्प लेकर नाना जी यहीं पर बैठे और एक बहुत बड़ा उदाहरण राजनीति में काम करने वालों के लिए प्रातः स्मरणीय नाना जी ने यहां पर रखा। मित्रों, नाना जी का जीवन भी एक बहुत बड़ा संदेश है। आमतौर पर आज राजनीति की जो व्याख्या हुई है और जो परिप बन गया है उसमें शायद ही कोई मानता है कि सेवा का भाव कहीं पर बचा है। उसी जमाने में थोड़े साल पहले ही एक व्यक्ति ऐसा था जो देश का राष्ट्रपति भी बन सकता था, देश में कोई भी उच्च पद पर आसीन हो सकता था। उसी समय उसी वक्त उन्होंने कहा कि 60 साल हो गए, अब समाज सेवा का वक्त हुआ है और ग्रामोत्थान का एक प्रकल्प लेकर यही चित्रकूट की धरती पर एक विश्वविद्यालय बनाकर एक इतना बड़ा काम खड़ा किया जिसने देश भर में ग्रामोत्थान की व्याख्या को बदला। मैं मानता हूं कि प्रभु राम के निवास के कारण तो ये चित्रकूट की धरती ऊर्जावान हुई है, सदियों से इसका महत्व रहा है, मगर ये दोनों महापुरुषों के कारण चित्रकूट की धरती के प्रति लोगों की पुनः श्रद्धा आकर्षित करने के लिए ये दोनों ने पूरा जीवन जो लगाया। मैं मानता हूं आज यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उनके अलावे भी देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस काम का अनुमोदना करते हैं, इसका एक्नोलेजमेंट करते हैं। भारतीय समाज में हमेशा से सामर्थ्य का कि प्रभु राम के निवास के कारण तो ये चित्रकूट की धरती ऊर्जावान हुई है, सदियों से इसका महत्व रहा है, मगर ये दोनों महापुरुषों के कारण चित्रकूट की धरती के प्रति लोगों की पुनः श्रद्धा आकर्षित करने के लिए ये दोनों ने बहुत सारे लोग हैं जो इस काम का अनुमोदना करते हैं, इसका एक्नोलेजमेंट करते हैं। भारतीय समाज में हमेशा से सामर्थ्य का महत्व कम रहा है, समर्पण का महत्व ज्यादा रहा है और रणछोड़दास जी महाराज ने जो काम किया इसके कारण ही आज ये संस्था यहाँ पर पहुंच पाई है। मुझे अभी विशद भाई बता रहे थे कि कहां से दान आता है, कहां से पैसा आता है, कौन दे जाता है, इतने अनजान लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये काम अपने आप धीरे 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 आगे बढ़ा है। और मैं मानता हूं कि रणछोड़दास जी ने जो सेवा का एक यज्ञ शुरू किया है उसको एक 10 बेड के छोटे से अस्पताल से लेकर आप 2000 बेड का अस्पताल, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और एक साल में 1,36,000 लोगों का यहाँ ऑपरेशन हो पाए, कर पाए और करा भी है, इस प्रकार की व्यवस्था धीरे 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 कर खड़ी हो गई है। आज इस व्यवस्था के माध्यम से देश भर के अंदर जो सेवा करने वाले लोग हैं, संस्थाएं हैं, सेवा के लिए जिनके मन में रुचि है, भाव है, उनको एक मार्गदर्शन करने का काम इस संस्था ने किया है। भूखे को अन्न, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र और दृष्टि नहीं है उसको दृष्टि, ये 3 मूल मंत्र के साथ मानव सेवा के लिए जो कार्य हुआ है, मैं हृदय से इस काम से जुड़े हुए सभी लोगों को साधुवाद देता हूं। मैं यहां इसीलिए आया था कि मैंने भी सुना था मगर मुझे लाने में तो मिसद भाई का ही बहुत बड़ा है रोल है, व्यस्तता के बाद भी उनका आग्रह इतना था कि मैं आज यहाँ आया और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि अगर आज मैं न आता तो काफी चीजों को देखने और समझने से वंचित रह जाता। एक अच्छा काम
जिसको समाज के हर व्यक्ति ने एक्नोलेज करना चाहिए, जिसकी अनुमोदना करनी चाहिए, ऐसा काम मुझे देखने को नहीं मिलता। काफी सारे क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, विशेषकर गौ सेवा के क्षेत्र में भी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं मानता हूं ईसद भाई की गायों की सेवा जो हो रही है, गौ की सेवा हो रही है, उसी के आशीर्वाद से ही ये संस्था इतनी आगे बढ़ रही है। हमारे मैं जिस प्रांत से आता हूं वहां पर गौ सेवा का एक बहुत बड़ा महत्व है, और खास कर बीमार और वृद्ध गायों की सेवा करना वहां बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। और वहां पांजरा पुण्य एक शब्द है जिसमें दूध नहीं देती ऐसी सभी गायों को वहां रखकर छोड़ते हैं, और समाज उसकी चिंता करता है, समाज उनकी सेवा करता है, और जब तक गाय है उसकी सभी प्रकार की चिंता वही पांजरा पुण्य करती है। मैंने आपके जो आपने मुझे पुस्तिका भेजी थी परिचय की, उसमें देखा कई जगह पे छोटे छोटे दूध के मतलब मिल्क कलेक्शन सेंटर भी बने हैं और गौशालाएं भी बनी है। ये बहुत स्तुत्य प्रयास है। ईश्वर आप सभी के इस प्रयास को सदैव आशीर्वाद देता रहे, इसको आगे बढ़ाए। और पूज्य रणछोड़ दास जी की आत्मा और सेठ अरविंद भाई की आत्मा जहां पर भी होगी उनके आशीर्वाद भी मिलते रहे। हमारे यहाँ सेठ शब्द की व्युत्पत्ति में थोड़े आगे जाए तो जो श्रेष्ठ होता है उसको धीरे धीरे करकर श्रेष्ठ कहते हैं, और अरविंद भाई को पूरा गुजरात उनके सामने सेठ शब्द लगाता है, क्योंकि अरविंद भाई का जीवन श्रेष्ठ रहा। उनके जीवन में से काफी लोगों ने गुजरात में भी बहुत किया है, और आज बहुत आनंद हो रहा है कि अरविंद भाई की तीसरी पीढ़ी काम से जुड़ी है और तन्मयता से कर रही है। काम से जुड़ना एक बात है और काम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना एक अलग बात है। ईसद के साथ बहुत कम संपर्क रहा मेरा, मगर जितनी भी बात हुई इसमें से लगता है कि उन्होंने दादाजी के इस काम को बड़ी तन्मयता से स्वीकार किया है, और दीपावली भी उन्होंने यही मनाई, ये विशेष आनंद का विषय है। मैं सभी लोगों को, इस काम से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आज एक बहुत अच्छे सेवा कार्य से मेरा परिचय कराने का काम आप लोगों ने किया। इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार।